आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोधी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई, उस समय किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि ये शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का ही परिणाम है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं, तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। इसका ये इतिहास तो बच्चे बड़े सभी जानते हैं, सभी की जुबान पर है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल स्थित है। ताजमहल को बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया, जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर, जो मध्य एशिया में स्थित है, वहाँ से जिस कारीगर को बुलवाया गया, वो संगमरमर के पत्थरों पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर बुलाए गए और मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलवाया गया। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीनों में कुशल कारीगरों को तलाश कर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनके देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताजमहल के निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर राजस्थान के मकराना से, अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर और रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीद कर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। 1630 ईस्वी में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा है और 80 फीट चौड़ा है। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहां आते हैं। दूधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दें, वे सारी फीकी लगती हैं।